से स्कूल खुल रहे हैं 9वीं से 12वीं तक के, जिसके एसओपी भी जारी कर दी गई है। लेकिन स्कूल संचालकों की मांग है कि 1ली से 8वीं तक के स्कूल भी खोले जाएं। सरकार पशुपेश में है और दूसरी तरफ आंदोलन की राह पर हैं स्कूल संचालक कि स्कूल खोले जाने चाहिए। चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त अनिल शर्मा जी जुड़े हैं, जो स्कूल संचालक समिति जो बनी हुई है, कमेटी इन संचालकों की, उसके पदाधिकारी हैं। डॉक्टर संजय चौधरी जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिभावक संघ से, और श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कोविड काल है, ये बात भी सही है कि हमें कोरोना के बीच ही अब आगे अपनी लाइफ को चलाना होगा, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। लेकिन बात बच्चों की है, क्योंकि WHO हो चाहे फिर चिकित्सकों की एडवाइजरी हो या प्रोटोकॉल हो, उसका कहना है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया उन्हें कोई खतरा है नहीं इतना, एंटीबॉडीज उनमें डेवलप है और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को लेकर के जहां बात आती है, वहां बड़ी अभिभावकों में एक चिंता का विषय होता है, पशुपेश में है, कि हम बच्चे को स्कूल भेजें नहीं भेजें, तो वो करें क्या? सर अनम्यूट करिए, डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए, म्यूट है सर आपके यहां। हाँ योगेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे जो बच्चों में कोविड के दौरान जितने बड़े इफेक्ट हुए पहली वेव में और दूसरी वेव में, उनकी सीवियरिटी काफी कम रही है, लेकिन नंबर इक्वली पहली वेव दूसरी वेव में करीबन 8% बच्चे 12 साल से नीचे इफेक्ट हुए ही हैं। अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं या भर्ती की रिक्वायरमेंट को अगर अपन देखें, कितने बेड ऑक्यूपाई हुए जेके लॉन में, फोर्टिस अस्पताल में या जयपुरिया अस्पताल में, तो वो नगण्य मात्र के करीब ही थी, बहुत ज्यादा बच्चे भर्ती नहीं हुए। तो अगर सीवियरिटी देखें तो काफी कम सीरियस बच्चे हुए, काफी कम बच्चों को अस्पताल की जरूरत पड़ी, काफी कम बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़ी, काफी कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर कम जरूरत पड़ी। लेकिन हमको तैयारी के साथ में स्कूल खोलने हैं, ये नहीं करना है कि स्कूल बंद रखने से, क्योंकि अगले 2 साल 3 साल लगेगा बच्चों का पूरा जो टीकाकरण हम कर पाएंगे। इतना जल्दी टीकाकरण अभी तो चालू ही नहीं हुआ है और हम कंप्लीट होने की अभी से सोच भी नहीं सकते। अभी तो 10% पॉपुलेशन का इंडिया में दोनों डोज लगी है, तो 90% पॉपुलेशन जो हमको वैक्सीनेट करनी है वो एडल्ट पॉपुलेशन, पता नहीं कितना लंबा कार्यक्रम बाकी है, और बच्चों का एडिशन हो जाएगा वैक्सीनेशन शेड्यूल में, तो एडिशन जो भार पड़ेगा सरकार के ऊपर वैक्सीनेशन के का। लेकिन अपने को यहाँ पे साइंस के हिसाब से देखना है कि बच्चों को कितनी जरूरत है। अगर ये परेशानी केवल बच्चों में रही होती जैसी बाकी खांसी जुकाम बुखार वाली परेशानियां रहती है, तो स्कूल या कॉलेज कभी बंद ही नहीं हुए होते, अगर एडल्ट्स में परेशानी कोविड की नहीं आई होती। क्योंकि ये जो कोविड है जो बाकी खांसी जुकाम बुखार की तरह ही बच्चों में आया, और बाकी खांसी जुकाम बुखार की तरह ही सीवियरिटी में रहा, बाकी खांसी जुकाम बुखार की तरह ही कम सीरियस स्थिति में ही बच्चों के शरीर से निकल गया। कुछ एक बच्चों में जिनको पहले से ही पूर्व ग्रसित बीमारियां थी, दिल की बीमारी थी, डॉक्टर साहब यहाँ सवाल ये है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो हैं, उनके अलावा पहली क्लास की जो डिमांड की जा रही है, मैं उसको लेकर के जानना चाहूंगा, या तो फिर हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि 9वीं से 12वीं तक के एक बार बच्चों को जाने दिया जाए, थोड़ा क्या आउटपुट आता है, क्या स्थितियां रहती हैं उसके बाद में, या कोई अभी तो हाँ बच्चों में जो अगर हम देखें पूरी दुनिया का डाटा, छोटे बच्चों में परेशानियां कम है, बड़े बच्चों में छोटे बच्चों के कंपैरिजन में कुछ परसेंटेज में परेशानी ज्यादा है। तो छोटे बच्चों को के लिए स्कूल खोलना ज्यादा सेफ है बड़े बच्चों के कंपैरिजन में। अगर हम यूएस का स्कूल का जो सिस्टम देखें, यूरोप का देखें, तो उन्होंने छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी बंद नहीं किए, क्योंकि बच्चों में छोटे बच्चों में खांसी जुकाम
एक दिन, डेढ़ दिन, दो दिन से ज्यादा नहीं चला कोरोना वाला खांसी जुकाम, तो छोटे बच्चों के लिए खोलना ज्यादा सेफ है बड़े बच्चों के कंपेरिजन में। जी और थोड़ा मैं सा तो लेकिन साइकिल बिल्कुल थोड़ा अवेयर रहना होगा उसके लिए कि बच्चे। तैयारी तैयारी हमको पूरी रखनी है, तैयारी हम बिल्कुल बिल्कुल ढीली नहीं बिल्कुल रख सकते बिल्कुल। जी अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों की डिमांड है कि पहले क्लास से ही बच्चों को भेजा जाना चाहिए, लेकिन तैयारी कितनी है? पहले तो मैं ये बता दूं कि हकीकत के अंदर जो गवर्नमेंट ने 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की जो अथॉरिटी दी है, ऑर्डर निकाले हैं, क्यों वो तो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास तक स्कूल खोलने में सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है सर। जब क्या नाम से WHO कह रहा है कि कोरोना क्या नाम से बच्चों के अंदर कोरोना नहीं होता है, कम इफेक्ट पड़ता है बच्चों के। ICMR जब कह रहा है, डॉक्टरों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो कह रही है कि बच्चों के कोरोना नहीं हो रहा है, क्यों? नीति आयोग ने जब सिफारिश कर दी बच्चों के कोरोना नहीं हो रहा है, तो क्यों मतलब क्या नाम से छोटे बच्चों को जो गांव गाने के अंदर जो बच्चे हैं उनके पास में 6 से 18 18 महीने के जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, न उनके पास में नेट की व्यवस्था है, न एंड्रॉइड फोन है, तो उन बच्चों को अनावश्यक रूप से क्यों घर पर बैठे रहने दिया जा रहा है? वो कतई मतलब क्या नाम से शिक्षा से दूर हो रहे हैं। इसलिए जब सारे कह रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, WHO सिफारिश कर रहा है, ICMR सिफारिश करी है, यानी डॉक्टर रघुराजन ने जो क्या नाम से RBI के गवर्नर है वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे अगर अब शिक्षा से अगर नहीं जुड़े तो एक पीढ़ी अनपढ़ रह जाएगी, तो सब इतनी सिफारिश आ रही है उसके बाद भी मतलब सरकारें फर्स्ट क्लास की क्लासें क्यों प्रारंभ नहीं कर रही है? और फिर दूसरी बात सर, बच्चा कहाँ नहीं जा रहा है? बच्चा पार्क में नहीं जा रहा है, बच्चा अपने अभिभावक के साथ में नहीं जा रहा है, बच्चा मॉल में नहीं जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है बच्चा? जब सब जगह बच्चा जा रहा है तो फिर स्कूलों के अंदर ही कोरोना बैठा हुआ है क्या? इसलिए हमारा तो कहना यह है कि गवर्नमेंट ने 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के लिए परमिशन दी है, आप निवेदन करते हैं सरकार से कि बच्चों को 1st क्लास से लेकर के 8th क्लास तक के लिए खोला जाए, क्यों? कि डॉक्टरों ने सिफारिश कर दिया बच्चों को कोरोना नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उनके ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये बड़ी पशुपेश की स्थिति है, 9वीं से 12वीं तक के लिए तो तैयारी है, सरकार की SOP भी जारी कर दी गई है, लेकिन इसी बीच ये मांग शुरू कर दी गई है। हालांकि 5 तारीख को इन लोगों की बैठक होगी कि किस तरह से क्या रास्ता निकाला जाए, कैसे बुलाया जाए। अभी भी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी 9वीं से 12वीं में भी अभिभावक की मंजूरी जरूरी है, वो स्कूल में बच्चे को भेजना चाहता है कि नहीं भेजना चाहता है। तो श्याम जी क्या भी वेट करना चाहिए या फिर हाँ बिल्कुल 1st क्लास से खोल देना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अभी तक हालात किस तरह के बनेंगे, क्या होगा, ये स्पष्ट नहीं है। जिस प्रकार की जो बातें आ रही कि तीसरी लहर में 40 लाख लोग हुए थे, अब 60 लाख लोगों की बात आ रही है कि संक्रमित हो सकते हैं, तो ये जिस तरह की बातें आ रही है सामने निकल के, और अभी क्योंकि 9th क्लास से 12th क्लास के खोलने का सरकार ने निर्णय वो राजस्थान ने नहीं लिया, बाकी जगह भी लिया है, तो इसलिए 1ली से 8वीं तक का खोल देना, क्योंकि राजस्थान के सारे स्कूल इतने अच्छे स्टैंडर्ड के नहीं है कि आप उन बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सको और सही तरीके से वातावरण दे सको, ये प्रॉब्लम है। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल को निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे स्कूल बंद भी हुए हैं, इनके आत्महत्या भी लोगों ने कर ली है, जिस तरह की स्थिति बन रही है, तो ये बात सही है कि प्राइवेट स्कूल इसलिए खोलना चाहते हैं कि उनका उनका कारण है कि उनको फीस जब मिलेगी, जब बच्चे आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो का सवाल ही नहीं उठता। बात तो है, बीमारी के साथ साथ जीवन जब तक नहीं रहेगा सुरक्षित, तो स्कूल बंद जब तक नहीं रहेगा, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसी तरह से जो स्थिति बनी हुई है, तो पहले तो पहली स्टेप शुरू तो करें, उसके बाद क्या वातावरण रहता है, उसके बाद धीरे धीरे। सरकार नहीं चाहती कि स्कूल खोलना, सरकार चाहती है स्कूल खोलना, तो कोई भी संस्थान, देखिए बिना बच्चे पढ़े तो कोई भविष्य बन ही नहीं सकता देश का, इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार भी चाहती है स्कूल खुले, लेकिन वातावरण सही रहेगा तो स्कूल खुले, तो इसलिए एक बार खुले तो सही, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी उसके अनुरूप परिवर्तन आएगा। आप एक साथ सारी चीजें खोल देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो अभी कह रहे थे कि आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, अभी ऐसा कोई रिपोर्ट सामने आई नहीं है कि गुजरात, राजस्थान, एक राज्य ने और ने, तीनों ने सितंबर से शुरू करने की हिम्मत दिखाई है। अब हिम्मत दिखाने के बाद देखिएगा जो वातावरण बन के सामने आएगा। इनके तो RTE के पैसा निश्चित रूप से 800 करोड़ रुपए बकाया है, ये चाहते हैं कि स्कूल खुले तो इनको पैसा मिले,
इनकी अलग मान है। देखिए ये मन से नहीं कह रहे हैं कि 1 से 8 तक खुले तो वातावरण ठीक रहेगा, इनका मन में यह है कि जब खुलेंगे तो हमारा बकाया पैसा मिलेगा, बकाया पैसा नहीं मिलेगा तो इनकी स्थिति जो है 34,000 स्कूल है जिनका पैसा बकाया, 1,000 स्कूल तो बहुत सारे ऐसे हैं कि स्कूल पैसा बहुत बकाया पड़ा है, इनको मिलेगा, खुलेगा तो कुछ वातावरण बनेगा, इनको बच्चों से ज्यादा अपना बकाया पैसे की चिंता ज्यादा है। इसलिए मेरा मानना है कि पहले सबसे पहले 9 से 12 तक का स्कूल खुले, क्या वातावरण बनता है, उसके बाद में धीरे धीरे वातावरण सही हो तो स्कूल खुलने के लिए चाहिए, और प्राइवेट स्कूल के बिना हम शिक्षा का आधारभूत ढांचा नहीं दे पाएंगे। बात सही है कि सरकारी तौर पर नहीं दे पाएंगे, व्यापक पैमाने पर बिना टीसी के भर्ती हो गए बच्चे, इनके बच्चे चले गए बिना टीसी लिए हुए और सरकारी स्कूलों में भर्ती हो गए। चिंता का विषय इनके सामने ये है कि आने वाले समय में इनको बच्चे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये बहुत सारी चीजें अभी सामने है। और 9 सूत्री इन्होंने मांग पत्र भी दिया है और आज धरना भी दिया है। अब क्योंकि सरकार उनके बीच में किस तरह की बात होगी नहीं होगी, ये अभी कुछ कहना कुछ संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल श्याम जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि क्या स्थितियां बनेंगी, सरकार अपने स्तर पर क्या निर्णय लेती है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में स्कूल 1 तारीख से खुल रहे हैं लेकिन अलग अलग बातें आ रही हैं। चलिए इस वक्त हमारे साथ में सुशील शर्मा भी जुड़ गए हैं। सुनील जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं वापस जाऊंगा उनके पास में। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, अभी अनिल शर्मा साहब का ये कहना था कि WHO भी ये बात कह चुका है, ICMR भी ये बात कह चुका है कि बच्चों को कोई खतरा नहीं है, खतरा कम है या फिर खतरा नहीं है? खतरा कम है, खतरा नहीं है तो बोलना बेवकूफी होगी। अपने पास हर चीज का अभी आज के दिन में कोई भी स्थिति पूरी तरह से तो खुली नहीं है। जैसे अपन ने सेकेंड वेव एकदम से झेली, एकदम से अपने सामने आएगी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, कितने सीरियस लोग अडल्ट अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि बच्चे कम अफेक्ट हुए हैं पहली और दूसरी वेव में। तैयारियां हमको बच्चों के लिए पूरी रखनी है क्योंकि हमारे पास तैयारियां काफी, बच्चों के लिए काफी कम तैयारियां हैं, अस्पताल ICU ऑक्सीजन सब बच्चों के हिसाब से बहुत कम है। तो स्कूल खोले लेकिन तैयारियों के साथ खोले, संभावना काफी कम है कि उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि कोई आफत आ जाए और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे दिखें, तो वो तो नहीं चलेगा। और ग्रेड सरकार डेफिनेटली ग्रेजुअली ही खोलना चाहिए, 7-7 दिन के गैप से खोल ले। स्थिति अगर एक जिले में कुछ क्लासेस खोल दे, दूसरे जिले में कोई क्लासेस खोल दे, वैसा प्लान कर किया जा सकता है स्थिति की, एक्चुअल स्थिति देखते हुए कि भाई इस जिले में क्या रही स्थिति बच्चों की, दूसरे जिले में बड़ों की क्या स्थिति रही, तीसरे जिले में 9वीं से 12वीं की क्या स्थिति रही, वो ओवर अ पीरियड अपने पास 1-2 महीने में डाटा आ जाएगा, अपन फिर और बेटर ढंग से स्टेप ले पाएंगे। तो ग्रेजुअल तो खैर आंसर है ही कि एक साथ तो सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन खोलना जाना चाहिए, स्टेप लेने चाहिए, बैठे रहने से तो नहीं काम चलेगा क्योंकि अगले 2 साल तक बच्चों का वैक्सीनेशन पूर्णतः नहीं हो पाएगा, ये हमको अपने को दिख रहा है जी। अनिल जी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि अभी आपने कहा कि WHO हो चाहे ICMR हो, ये कभी नहीं कहा कि कोरोना का बच्चों को कोई खतरा नहीं है, बच्चों को खतरा है, बड़ों की तुलना में कम हो सकता है क्योंकि उन लोगों के पास में कुछ ऐसे टीके पहले से लगे हुए हैं। हालांकि अभी ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि उन टीकों का असर है या फिर बच्चों की इम्यूनिटी लेवल जो है वो इस तरह का है कि कोविड उनके आगे वैसा इफेक्ट नहीं डाल पा रहा जो बड़ों पर डाल रहा है, तो ये अभी कोई ऐसी हिस्ट्री सामने नहीं आई है, ना कोई अभी रिसर्च रिपोर्ट सामने आ पाई है, तो खतरा तो है बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि क्या अभी भी आप लोगों के अभिभावकों से बात हुई, क्या डिमांड है उन लोगों की? सर हमारी अभिभावकों से भी ये बात भी हो रही है, अभिभावक ये कह रहे हैं कि सर आप स्कूल खोलो, बच्चा 18 महीने से घर पर बैठा हुआ है, क्यों
अगर ये बच्चा अगर अब स्कूल इसकी व्यवस्था अगर नहीं हुई, अगर इसकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, तो ये निश्चित रूप से बच्चे की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। अभिभावक सर लगभग 90% अभिभावक हमारे साथ है और ये कहते हैं सर कैसे भी प्रकरण स्कूल खोलो। दूसरी बात हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर हमारे छोटे बच्चों की स्कूल खुलती है तो निश्चित रूप से हम भी मानते हैं कि बच्चे का स्वास्थ्य प्रथम है। जैसे ही अगर छोटे बच्चों की अगर स्कूल खोलते हैं तो सब हम पूरी जिम्मेदारी के साथ में क्या विद्यालय को सैनिटाइज भी करेंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखेंगे, क्या नाम से जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो हम 25 बच्चों को ही बुलाएंगे, तो पूरा ध्यान रखेंगे सर। बच्चे का स्वास्थ्य हमारे लिए भी जरूरी है इसलिए। और अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभिभावक की मर्जी पर है। अभिभावक अगर कोई अभिभावक चाहता है साहब मैं तो मेरे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना चाहता हूँ, फिजिकल रूप से स्कूल भेजना चाहता हूँ, तो वो भेजते। और कोई अभिभावक ये चाहता है नहीं साहब मैं तो अभी कोरोना का डर मैं नहीं भेजूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑनलाइन बच्चे को शिक्षा दे ले। लेकिन छोटे बच्चों की स्कूलें खुलना बहुत जरूरी है सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर स्थिति बिगड़ती है और तीसरी लहर आती है तो हमारे स्कूल आधे घंटे में बंद होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर स्कूलें बंद हो जाएगी सर, तो ऐसी क्या बात है। तो हमारा तो निवेदन यही है चले। लेकिन अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक सवाल उठाया कि सबसे बड़ी बात तो है कि 800 करोड़ रुपए जो आरटीके हैं उसको लेकर के ज्यादा जल्दी है स्कूल वालों की, अगर ऐसा है तो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है ये। अरे तो सर एक बात बताओ, आरटीके बच्चों को स्कूल से खुलने से क्या लेना देना क्या? आरटी एक अलग चीज है और क्या नाम स्कूल खुलना एक अलग चीज है। आरटी का मतलब आरटी वाले बच्चे हमको पैसा देते हैं क्या? आरटी वाला कोई बच्चा हमको पैसा थोड़ी देता है, पैसा तो बिना आरटी का बच्चा वो देता है। तो आरटी के बच्चों से स्कूल खुलने से क्या टेंशन रह गया, कोई संबंध ही नहीं है जी। श्याम जी सुना भी आपने अनिल शर्मा साहब को? देखिए योगेंद्र जी ये अगर अभी कह रहे हैं 2018 से 19 और 19 से 20 दो साल का 34,000 स्कूल ऐसे जिसका पैसा बकाया है, मानते हैं आप नहीं मानते? आरटी का क्या लेना देना रह गया, तो बकाया पैसा है तो आरटी से क्या लेना देना, आरटी का तो गवर्नमेंट देती है। अनिल जी सुनिए तो सही, अगर बच्चे आएंगे तो पैसा मिलेगा ना, अभी बच्चे नहीं आ रहे इसलिए आप बच्चे नहीं आएंगे तो भी मिलेगा सर पैसा, तो बच्चे नहीं आएंगे तो भी मिलेगा आरटी का पैसा, तो कैसे मिलेगा यही विवाद का विषय बनता है। तो भी मिलेगा आरटी का पैसा, तो विवाद का विषय बना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सर बच्चे नहीं आए तो भी मिलेगा, क्यों कर रहे हो ऑनलाइन ऑनलाइन? अनिल जी जरा एक बार बात भी सुन लीजिए कि 10,000 स्कूल ऐसे जिनका 3 साल से बकाया पड़ा है, 1,000 ऐसी बात करते हो, आरटी का क्या लेना देना है? आरटी एक अलग चीज है, बच्चे आने एक अलग चीज है, आरटी का क्या लेना देना इसके अंदर? अरे लेना देना आरटी का क्या लेना देना इसके अंदर? आप है यही तो कह रहा हूँ मैं आपको, आप बार बार जो कह रहे हैं, मैं जो मैं नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी डिमांड चार्ट नो सूत्री मांग पत्र बता दीजिए। तो करेंगे सर, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्यों? बच्चों को पढ़ाए तो पैसा मिलेंगे? आप देखा है 2 साल से बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, उसी बात का तो पैसा मांग रहे हो आप, यही तो दिक्कत हो रही है। विभाग का विषय तो यही बन रहा है क्योंकि 65% केंद्र सरकार देती है और बाकी का 35% राज्य सरकार देती है, विवाद का विषय यहाँ पर है। आप देखिए, आप कहना नहीं चाह रहे हो बात अलग है, मगर असली बात तो यह है कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो आप डिमांड करोगे सरकार से कि भाई तो स्कूल खुल गए हमारा बकाया पैसा दो, क्योंकि इतना पैसा बकाया है, मिलेगा पैसा और कितना किस स्थिति में मिलेगा ये भी आपको पता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उलझन अंदर से अलग तरह की है, दिखती अलग तरह से। जब तक हमारे अभिभावक अगर संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हाँ अब बच्चे सुरक्षित हैं, तो सर आप नहीं बात को अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं, सर बात को अलग ट्रैक पर ले जा रहे हैं। सर मैं बार बार कह रहा हूँ, आज से स्कूलों का खुलने का कोई कंसर्न नहीं है। आप क्या बात, आज धरना किस बात? 9 सूत्री मांग पत्र बता दो, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है तो आप बता दोगे, फिर उसके बाद स्पष्ट आ जाएगी बातें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, 5 नवंबर को आपने चेतावनी दी है कि हम शटडाउन कर देंगे, अभी स्कूल खुले ही नहीं, शटडाउन की बातें हो रही है। तो बहुत सारी चीजें अंदर से भी छिपी हुई है। आप मान के चलिएगा कि हाँ आपकी जिनाइन मांगे हैं, बहुत सारी स्कूल नहीं खुल रही, तो निश्चित रूप से जो प्रबंधक है उनकी स्थिति खराब हुई है, आत्महत्या की है बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों ने धंधा छोड़ के दूसरा धंधा समझ रहा है। राजस्थान के अंदर 65 स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली सर, कहाँ से आएगा पैसा? 18 मैनेजर घर पर बैठा हुआ है अभी, कर्मचारी कहाँ से आएगा पैसा? अरे तो आप बताइए, सुशील शर्मा जी आपकी थोड़ी लोकेशन बदलिए और आपके फोन को, क्योंकि आपका 4G कट रहा है अभी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आपका रिएक्शन लूंगा मैं अभी। आप सुन रहे हो अनिल शर्मा साहब को कि स्कूल संचालक सुसाइड कर रहे हैं,
अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। अभिभावक क्या चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए अभी? बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं, हमारे हमारी हमारे बच्चों की चिंता इनको ज्यादा हो गई हमसे, ये तो बड़ी एक स्ट्रेंज है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बच्चे सेफ रहें और उनका जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक स्कूल ना खुले जाए। कहना नहीं, जिसकी इच्छा हो भेज दो स्कूल के अंदर, जिसकी इच्छा हो बच्चे को, ये कमाल है, जिसकी इच्छा हो भेज दो, तो ये करें कि दबाव थोड़ी बढ़ पेरेंट्स के ऊपर, जिसकी इच्छा हो भेज दो, जिसकी इच्छा नहीं हो मत भेज दो। ऐसा है, देखिए आपने इतनी देर तक बोला है, मैं सुन ही रहा हूँ ना चुपचाप से, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, है ना। और जैसे आपने खोला, पेरेंट्स को मालूम नहीं है, कई पेरेंट्स तो अभी भी सोच रहे कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं। अभी आपके जो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये बताया कि इस कोरोना तो घोटाला है, तो ऐसे कई पेरेंट्स भी है जिनको लगता नहीं है, जिन्होंने अपने घर में आसपास किसी की मौत नहीं देखी है, तो उनको तो लग रहा है, वो भेज भी देंगे, और उसके बदले में अगर जो मौतें होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो जो बच्चे हैं, आप पूरी बात सुनिए, आप मैं चले, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, आपका फ्रेम क्लियर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम आपको स्क्रीन पर नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन सुशील शर्मा जी अभिभावकों की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं, दर्शक जो वॉइस सुन पा रहे हैं वो सुशील शर्मा साहब के हैं। जी कंटिन्यू करिए, समय कम है मेरे पास। पहली बात तो ये है कि देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कई, अभी थोड़ी देर पहले ये जो अनिल शर्मा जी के साथ में मेरी दूसरे टीवी पे डिबेट हुई, उन्होंने कहा था कि बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देखिएगा गूगल करके, इंडोनेशिया में पिछले महीने 800 बच्चे मरे हैं, तो कौन से इम्यून हो गए बच्चे, कौन सा कोरोना से जो है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता? तो अगर एक भी बच्चा इनकी इसकी लापरवाही की वजह से, इनके स्कूल खोलने की वजह से एक की भी जान जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उस जिंदगी को लाया जा सकता है? उस परिवार का क्या होगा जिसका वो बच्चा जाता है? जी 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 अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, एक छोटा सा सवाल होगा, हालांकि समय कम है क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी इस पे आ रहे हैं। यहाँ अभी जैसे एक सुशील शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका साफ कहना है कि अभिभावक अभी नहीं चाहते हैं छोटे बच्चों को भेजना, जिम्मेदारी कौन लेगा अगर स्कूल में बच्चे चले भी जाते हैं तो? मैं बार बार यही कह रहा हूँ सर, हम स्कूल अगर खोलेंगे ना तो अभिभावक की अनुमति लेकर के खोलेंगे। अब जो बच्चा अगर आएगा नहीं तो बच्चे को बुलाएंगे तो भी अभिभावक की अनुमति से ही बुलाएंगे सर, ऐसी नहीं है। तो बिल्कुल राजस्थान के अंदर 90% अभिभावक ये चाहते हैं कि हमारी स्कूलें खुले, 90% अभिभावक चाहते हैं। हर स्थिति को देखा तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास में तो ऑनलाइन की व्यवस्था है और नहीं उसके पास में एंड्रॉइड फोन है, तो उस बच्चे की देखो आप, एक भारत के अंदर दो भारत हो रहे हैं। सुशील जी कंपल्सरी नहीं है, ये आपके पास भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बच्चे को भेजना चाहें भेजिए, नहीं भेजना चाहें मत भेजिए, मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनको बीच में प्लीज इनको रोकिए, ये एक बार बोल चुके हैं तो आप हमारे जी 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 अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी रुकिए एक बार। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है, कई लोगों उनको मालूम ही तक नहीं है कि भैया कोरोना नाम की खतरनाक बीमारी है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि आज इन्होंने एक जो धरना प्रदर्शन किया जयपुर के अंदर स्टैच्यू सर्कल पे, वहां पे ये लोग खुद कोविड प्रोटोकॉल को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्कूल के अंदर क्या कर लेंगे? दूसरी बात क्या है कि स्कूल के स्टाफ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेडिकल स्टाफ के जैसे एक्सपर्ट है और वो स्क्रीनिंग कर लेगा, एक एक चीज का जो सैनिटाइजेशन कर लेगा, और ये एक बार सैनिटाइजेशन से काम नहीं चलेगा, आपको दिन भर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सुशील जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं आप सभी अतिथियों को रोकना चाहूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन अभी बड़ी पशुपेश की स्थिति है, सरकार SOP जारी कर चुकी है और देख रही है कि किस तरह से स्कूल खोले जाएं। एक अभी पहले इसे 9 से 12वीं तक के लिए, लेकिन स्कूल संचालकों की मांग है पहले से 8वीं तक को भी खोलिए सर, हमको 9 to 12 इंचार्ज करना होगा। जी सुशील जी, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।